हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिज्ञान ए टू जेड। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के एक ऐसी कारनामे के बारे में जिसे आप सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे और मन ही मन जरूर मुस्कुराएंगे, और ये बहुत ही प्राउड वाली बात है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंडियन रेलवे काफ़ी बहुत ज़्यादा लेट चलती है, हमेशा लेट पहुँचती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी इंडियन रेलवे कुछ ऐसा कर जाती है ना, जिसके बाद हमें ये जानकर बहुत ही अंदर से प्राउड फील होता है इंडियन रेलवे के बारे में। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी घटना के बारे में, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों दरअसल एक ट्रेन है आनंद विहार भुवनेश्वर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, और उस ट्रेन में अचानक से हलचल मच जाती है। ये हलचल तब मचती है जब ट्रेन अचानक से एक बीच सुनसान जगह पे रुक जाती है, और रुकने के कुछ ही देर बाद वो ट्रेन वापस उल्टा चलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, वो ट्रेन वापस उल्टा चलने लगती है। उस ट्रेन में बैठे सारे यात्रीगण बिल्कुल घबरा जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ट्रेन वापस उल्टा क्यों चल रही है। दोस्तों ऐसा दरअसल इसलिए हुआ कि उस ट्रेन में एक लेडी थी, रेनू देवी नाम की एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, और उनको बहुत ज़्यादा उस टाइम पेट में दर्द हुआ। तो उस ट्रेन में जो ऑन ड्यूटी आरपीएफ के जवान थे उनके द्वारा इस खबर को कंट्रोल तक पहुंचाया गया, लेकिन जब तक कंट्रोल से इस खबर की आदान प्रदान होती तब तक ट्रेन काफ़ी दूर तक निकल गई थी अपने पिछले स्टेशन से। फिर जब रेलवे के कुछ अधिकारियों को ये बात पता चला तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि उस ट्रेन को जहाँ भी है वहीं पे रोक दिया जाए, और ट्रेन को रोकने के बाद वापस उस ट्रेन को अपने उस पिछले स्टेशन पे लाया जाए जहाँ से वो चली हुई थी। तो ट्रेन को इसीलिए उल्टा चलाकर फिर से उस स्टेशन पे ले जाया गया, और उस स्टेशन पे जाने से पहले स्टेशन मास्टर को इस घटना की पूरी खबर दे दी गई थी। और उसके बाद उस स्टेशन पे बड़े बड़े डॉक्टर की टीम्स, एम्बुलेंस, सब कुछ वहाँ पे पहले से तैनात थी। और जैसे ही ट्रेन वहाँ पे पहुँचा उन लेडी को उतारा गया, उनके परिजनों को उतारा गया, और उनको हॉस्पिटल में, वहाँ के सदर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। और इस घटना के बाद वो ट्रेन पूरे एक घंटा लेट हुआ। तो दोस्तों कभी कभी ट्रेन लेट होने की भी कोई वजह होती है, ऐसा नहीं है कि ट्रेन हमेशा लेट हो जाती है, ऐसा नहीं होता। ट्रेन को एक स्टेशन मास्टर नहीं, एक कंट्रोल चलाता है। अगर कंट्रोल स्टेशन मास्टर को बोला गया कि इस ट्रेन को तुम अपने स्टेशन पे एक घंटा रोक के रखो, तो उसको एक घंटा रोक के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल भी तो सारे ट्रेन को मैनेज करता है, तो उसको भी सारे ट्रेन को देखते हुए चलाना रहता है। तो इंडियन रेलवे हमेशा लेट होती है, तो उसकी वजह ये नहीं होती कि हमारी इंडियन रेलवे बहुत ही ख़राब है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कभी कभी इंडियन रेलवे हमारी ऐसे काम कर जाती है ना जिसे हम बिल्कुल भी नहीं सोचे होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है ना कि ऐसा क्यों होता है इसीलिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जानकर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।